हरिद्वार के संगम होटल में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने होटल में मौजूद 4 लोगों को शीशा तोड़कर रेस्क्यू किया। वहीं इस घटना के बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इसमें एक होटल में आग की सूचना आई थी हमें, तो हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 2 टेंडर हमने मंगाए थे, तो इसमें जो प्रथम फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर आग की सूचना थी, तो आग को बुझाया गया। ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे इसमें 3-4 युवक फंसे हुए थे, जो कि बिल्डिंग की हाइट काफ़ी है, तो हमने 2 एक्सटेंशन लैडर लगा के और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। चूंकि स्वाभाविक है, जब आग लगती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, तो काफ़ी घबराए हुए थे, पर उन्होंने काफ़ी समर्थन किया और जवान युवक थे, तो हमारे लोगों ने उनको निकाला नीचे। आग किस कारण से लगी और जो भी और अन्य रूल्स एंड रेगुलेशन से उसकी जांच अभी करवाई जाएगी, तो उसके बाद हम निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या कारण है।